ग्वालियर के मुरार में एक जीजा ने बाजार जा रही साली को गोली मार दी। गोली साली के कंधे में लगी है। जीजा को साली का किसी दूसरे से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। गोली मारने के बाद जीजा फरार हो गया है। घायल साली को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया है। सरेराह गोली चलने से बाजार में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मुरार थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल के बयान लेने के बाद हमलावर जीजा पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल हमलावर फरार है। मुरार गुलाबपुरी खुरैरी निवासी नेहा उर्फ नंदिनी जाटव उम्र 24 वर्ष को गोली लगी है। नंदिनी ने बताया कि वह साइकिल खरीदने के लिए बाजार आई हुई थी। वह बैजल कोठी के पास एमपी ऑनलाइन की दुकान पर बैठी हुई थी, तभी उसका जीजा सुरेंद्र बाइक से अपने एक अन्य साथी के साथ वहां पहुंचा। उसने कट्टा निकाला और गोली चला दी। गोली नेहा के बाएं कंधे पर जाकर लगी। तभी बदमाश हवा में कट्टा लहराते हुए मौके से भाग गए। कुछ लोग तो गोली चलने के बाद वहां से भाग गए। कुछ ने नेहा को संभाला। पुलिस को गोली की खबर मिली तो टीआई शैलेंद्र भार्गव मौके पर पहुंचे। उन्होंने हमलावरों को तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस को प्राथमिकी जांच से पता चला कि जीजा का साली से पहले लगाव रहा है। मैं चाहता था कि नेहा किसी और से बात नहीं करे। नेहा किसी और से बात करती थी तो उसे शक होता। इस बात को लेकर पहले भी उनके घर में झगड़े होते रहे हैं। इसको लेकर पहले भी झगड़े हुए थे। रविवार को भी जब जीजा ने साली को किसी और से बात करते देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह आग बबूला हो गया। सुरेंद्र पूरी योजना बनाकर आया था। जिस दुकान पर नेहा बैठी थी उसी दुकान पर एक लड़के को सुरेंद्र ने फोन करके धमकाया। इसके कुछ देर बाद वह उसी दुकान पर आ पहुंचा। फिर उसने कट्टे से गोली चला दी। गोली से घायल हुई नेहा ने बताया कि मैं दुकान पर बैठी थी, तभी जीजा सुरेंद्र आए और गोली चला दी। उनके साथ एक और युवक था। जीजा का कहना था कि इधर उधर मत घूमा करो और किसी से बात मत किया करो, अपने घर पर रहा करो। नेहा की माँ ने बताया कि मैं घर पर थी, फोन आया तो पता चला कि नेहा को गोली मार दी। गोली मारने वाला मेरा जेठ का दामाद सुरेंद्र है। मेरी बेटी बाजार आई थी तभी उसे गोली मारी है। उसने क्यों मारी इस बारे में कुछ पता नहीं है। मुरार थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव ने बताया कि युवती दुकान पर बैठी हुई थी तभी उसको गोली मारी गई। पीड़िता का कहना है कि जीजा ने गोली मारी है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और आरोपी के घर दबिश भी दी गई। आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा। जिया जी आए तो गोली चलाने की कोशिश कर रहे थे। गोली चल रही, मैं हटा रही थी तो उसमें क्या बोलते एकदम गोली चल रही। तो क्यों मारा है? गोली क्यों मारी है? क्या वजह थी? बोल रहे थे कि क्या बोलते इधर उधर क्यों घूमती, किसी से बात मत करो, मतलब अपने घर में रहो बस। बच्ची बैठी हुई थी। इसका यह आरोप है कि इसके जीजा ने पीछे से कट्टे से गोली चलाई है जो इसके कंधे के नीचे लगी है। अभी पीड़िता को जिला चिकित्सालय मुरार में इलाज के लिए भेज दिया गया है।